अपने गांव मारकाबाद में, क्योंकि यहां का हर आदमी मेरे से परिचित है, 30 साल से मेरे साथ संघर्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष का साथी रहा है। चाहे रैली कहीं भी हो हरियाणा के कोने में, लेकिन मारकाबाद से 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां 1 गाड़ी जरूर गई है। हर परिवार का, हर 36 बरादरी का आदमी ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं पारिवारिक तौर से नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता। साथियों, जब भी कोई चीज प्राप्त करनी हो उसके लिए मेहनत और संघर्ष बहुत जरूरी है। लंबे समय से मैं आपके बीच में अपने नेताओं के दिए गए निर्देश आदेश से, जब भी चाहे कोई रैली हो चाहे कोई कार्यक्रम हो, राहुल गांधी जी के आदेश से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आदेश से, दीपेंद्र हुड्डा जी के आदेश से, अभी हमारे अध्यक्ष सुदेव भान जी हैं उनके आदेश से, और पंडित चरणजीत लाल के सुपुत्र हमारे स्पीकर है प्रदेश हरियाणा सरकार के, पंडित कुलदीप शर्मा जी, जो हमारे रहनुमा बहुत मेहनती और संघर्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष के साथी हैं, इन सब के आदेश से जब भी कोई पार्टी के कार्यक्रम करने की बात आती है तो आप और हम सब सम्मिलित होते हैं। अभी 1.5 साल का समय बाकी है, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता के लोग आपको भरोसा दे करके, झूठ बोल करके सत्ता हासिल की थी जिन्होंने, आज उनको हम सवाल पूछते हैं कि कहां गई 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देने की बात, कहां गए 15-15 लाख रुपए, आज उनसे पूछते हैं तो कहते हैं वो तो जुमला था। वोट लेकर के मजाक करना और जनता को बेवकूफ समझना, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, इनके खून के अंदर है। साथियों, इतनी झूठ बोल दी, धर्म से धर्म लड़ाया, भाई से भाई लड़ाया, जात बरादरियों में दरार डालने की कोशिश की, हमने समझ जाना है। लंबे समय से आज गरीब आदमी को काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है उसके पास, नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लड़के हमारे ऐसे घूमते हैं, जमीन बेच बेच करके अपने देश को, अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हैं। एमए पीएचडी और इंजीनियरिंग करे हुए बच्चे हमारे 16-16, 17-17 हजार में नौकरी लगाते हैं, डीसी रेट पे हमारा मजाक करते हैं। हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को चपरासी पीएन माली की पोस्ट दे करके हमारे बच्चों का मजाक उड़ा आ जाता है। पीएचडी करा हुआ लड़का क्या इनको पानी पिलाएगा? इंजीनियरिंग करा हुआ बच्चा क्या इनका घास खोदेगा? इन बातों को लेकर मैं आपके बीच में, हमारे सारे साथी आपके बीच में आए हैं। 1.5 साल का समय है, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जो यात्रा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोगों ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर आए उनमें से एक मुद्दा भी पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और उससे पहले सत्ता में रही थी, क्या कार्य किए और आगे सत्ता में आई तो क्या कार्य करेगी, इन चीजों को लेकर के हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत आज अपने गांव में, आप लोगों के बीच में, अपने बुजुर्गों के बीच में, नौजवान साथियों के, माता बहनों के साथ गांव में, गली गली में घूम करके, एक एक घर में अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और इन भ्रष्ट बेईमान सरकार की पोल खोलने का कार्य करेंगे। हमें समझ जाना है, हमें इस बात का ज्ञान सभी लोगों को देना है, सब लोगों को बताना है कि जो हमारी वोट लेकर के 8.5 साल इन्होंने हमारा शोषण किया, हमारे को मजबूर किया, 2 वक्त की रोटी गरीब आदमी कमा नहीं सकता,
उसकी पारिवारिक पहचान पत्र बना करके फैमिली आईडी जिसको ये कहते हैं, कई कई लाख रुपए की इनकम भर दी। जो माताएं बहनें खेत में मजदूरी करने जाती हैं, हमारे भाई मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनकी जो हमारे बीपीएल के कार्ड थे वो कार्ड थी, जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग जिनको सम्मान पेंशन मिलती थी उनकी पेंशन काट दी। तो ऐसी निकम्मी सरकार जो हमारे साथ खेल खेलना चाहती है, उस सरकार को चलता करने का काम हमने 2024 के चुनाव में करना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आप लोगों में जाओ और उनको सभी साथियों को परिवार में जाके एक एक आदमी को समझाओ कि 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, आप वोट दोगे, आप साथ दोगे, आप कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी। जो ये फैमिली आईडी बनाई है जिसमें आपके पैसे भरकर आपके बीपीएल के कार्ड काटने का कार्य किया है, उस फैमिली आईडी को कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही फाड़ के फेंक देंगे और आपकी दोबारा से सर्वे होगा और सबके बीपीएल के कार्ड बनेंगे जो बीपीएल के कार्ड के योग्य है। जो हमारे बुजुर्गों के सम्मान पेंशन काटी है इन्होंने, वो इनकम की पेंशन नहीं है, इनकम देकर पेंशन बांधी गई थी, वो पेंशन सम्मान पेंशन थी जिसकी भी कटिया भाई ब्यास में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको वापिस लौटाने का कार्य करेंगे और आपकी पेंशन निरंतर चलती रहेगी। जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं, 100-100 गज के प्लाट उनको दिए जाएंगे और उन प्लाटों पर मकान भी बनाकर दिए जाएंगे, वहां बिजली का कनेक्शन भी होगा, पानी की टूटी भी होगी और पानी की टैंकी भी होगी और पक्की गलियां पक्की सड़क बना करके गरीब समाज के लोगों को वो मकान दिए जाएंगे। और ये जो टूटी के बिल हैं और ये जो बिजली के बिल हैं, इनको आदमी है ना अपने आप को बेच कर भी इनको भर नहीं सकता, इतने इतने बिल आते हैं। हमारे गरीब समाज के लोग बगैर गर्मी में बगैर पंखा चलाए बगैर लाइट के बंद करके बैठे रहते हैं, कभी बिल आ जाए और हम उसको भर ना पाए और फिर ये कनेक्शन काट कर चले जाए। पप्पू लाठर जी ने बात कही थी कि कांग्रेस के राज में 400 रुपए का सिलेंडर था, हर महीने सिलेंडर बढ़ा देते हैं, आज 1200 रुपए का सिलेंडर, 50 रुपए दो दिन पहले फिर बढ़ा दिए, 50 रुपए डाउन किया फ्री कनेक्शन देने का। अरे तू इससे बढ़िया तो हमारे से पैसे ले लेता, 400 रुपए का सिलेंडर कर दे। हमारे गरीब समाज के लोग जो तूने फ्री कनेक्शन दिया वो कनेक्शन के पैसे देने के लिए तैयार है ताकि सारी जिंदगी वो लूटने से बच सके। साथियों, कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी ने ऐलान किया है कि 500 रुपए से ऊपर का सिलेंडर नहीं देंगे, 500 रुपए। हमारे गरीब समाज के बच्चे थे जो डॉक्टरी करने जाते थे, मात्र थोड़ी सी फीस में डॉक्टरी कराते थे, आप इन लोगों ने उनकी फीस बढ़ाकर 40-40, 50-50 लाख रुपए कर दी। कहां से लाएंगे पैसे, हमारे बच्चे डॉक्टर पढ़ने से भी वंचित रह जाए। साथियों, बड़े लंबे समय से आपके बीच में हूं भाई, चुनाव की दौड़ में हूं, विधायक बनना चाहता हूं, अगर आपका आशीर्वाद हो, अगर आप मुझे बनाना चाहते हैं, दोनों हाथ खड़े करके इनको बता दो, पत्रकार साथियों को भाई, सारे साथी पीछे से इसकी फोटो ले और पता लग जाए एक एक परिवार का आदमी, दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। 30 साल का जो सुखा 32 साल का मेरे पत्रकार साथी कई बार मैं इसकी बीच बड़ा दर्द आता है कि हमारी पार्टी का 32 साल से यहाँ विधायक नहीं है। साथियों, आप और हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, एक एक गांव में जाएंगे, हर परिवार से मिलेंगे, अपनी पार्टी की सारी बातें बताएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहले मुख्यमंत्री बने, सबकी जेब में आज 1000-1000 का नोट रहता तक नहीं रहता था, आप बता दीजिए।
मेरे घर के सामने एक मूंगफली की रेडी लगाता है, दो प्लाट उसने मेरे से लिए टोनी में, एक मूंगफली की रेडी वाले। अब मैं उससे पूछता हूँ क्या हाल है, बोला बाबू जी भूखा मर गया, वो बिक दे तो बिकवा दे। और देखना भाई 300 यूनिट बिजली की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, आपकी 300 यूनिट फ्री करेंगे, आराम से पंखा चलाकर कूलर चलाकर चला देंगे, 300 यूनिट तक का कोई बिल नहीं होगा। साथियों मेरे साथ संघर्ष करोगे या ना करोगे, हाथ खड़े करके बताओ, मेरे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो सभी साथी? करेंगे करेंगे, जोर से बताओ करोगे? करेंगे। हम सारे साथी पूरे हल्के में जाकर के विधानसभा में लोकसभा क्षेत्र में जहां भी आपके साथी हैं पंडित चिरंजीव लाल के पुत्र चौधरी पंडित कुलदीप शर्मा जी को यहाँ का MP बनाना है, और भाई उनके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका दीदी के आशीर्वाद से टिकट लेके आएंगे, और सारे साथी मिलके इस बार कांग्रेस का 32 साल का सूखा दूर कर देंगे और घरौंडे हल्के का विकास होगा। एक एक परिवार को जानता हूँ, एक एक परिवार को रोजगार दिलवाऊंगा भाई, एक एक साथी की मदद करूंगा खड़ो होकर। जिस वक्त कहोगे कि गांव में हमें जरूरत है, उसी वक्त गांव में आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, आपकी जो परेशानियां हैं तकलीफ हैं उनमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी हर दिक्कत हर तकलीफ को दूर करने का कार्य किया जाएगा। साथियों अभी हम कोई भी साथी नहीं जाएगा यहाँ से, ये गली होते हुए सरदार दरबारा सिंह वाली और भाई प्रजापति वाली गलियों में और हमारे जो समाज के चमार भाई वाली गलियों में न आकर के इधर से वापिस आएंगे, तो सारे साथी ये पता लगना चाहिए, ये मीडिया